झारखंड में बिहार के लिए कुछ नई ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। इसके साथ ही इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे टाटा नगर, रांची और धनबाद से कौन कौन सी ट्रेन को हरी झंडी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें, जिससे झारखंड के अन्य यात्रियों को और पैसेंजर को इस जानकारी मिल सके। रेलवे पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने जा रही है। रेलवे ने रेगुलर पैसेंजर ट्रेन का परिचालन करने की पूरी तैयारी कर ली है। सिर्फ झारखंड सरकार की अनुमति मिलेगी तो ट्रेन का परिचालन पहले की तरह शुरू कर दिया जाएगा। अनुमति के लिए रांची के DRM राज्य सरकार से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, रांची, टाटानगर समेत अन्य रूटों के लिए ट्रेन चलेगी तो फिर बिहार से झारखंड के लिए लिंक रेल मार्ग से आसान हो जाएगा। टाटानगर छपरा एक्सप्रेस, वहीं टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस का परिचालन भी जल्द शुरू किया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया शुरू की जा रही है और टाटानगर स्टेशन के सेकंड एंट्री गेट में बने फुट ओवर ब्रिज का काम तेजी से किया जा रहा है। दरअसल यहां पर दिसंबर के अंत तक यह काम पूरा करने का निर्देश दिया गया था और यात्री जैसे ही ट्रेन सफर करेंगे उनको दिक्कत ना हो, इसको लेकर के यहाँ पर यह अपडेट को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्णय लिया गया है। टाटा नगर से दानापुर और छपरा के लिए ट्रेन चलेगी तो बिहार और झारखंड सफर करने वाले यात्रियों के लिए सीधी ट्रेन मिल पाएगी। टाटा नगर में खड़गपुर में एक तीसरा फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जाना है, उस पर भी आगे हमारा अपडेट आता ही रहेगा। और झारखंड के अनुसार और यहाँ की सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द कुछ नई ट्रेन चलाई जाए जिससे अन्य राज्य से झारखंड के लोग वापस आ सकें पूजा के दौरान। टाटानगर अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस की वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है और ऐसे में प्रतिदिन इस ट्रेन को परिचालन की बात कही जा रही है। टाटानगर अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस का फेरा बढ़ाने की भी मांग बहुत दिनों से चल रही है। वर्तमान में ये ट्रेन टाटानगर यशवंतपुर रैक पर ही चलाई जा रही है। इस ट्रेन का एक फेरा बढ़ाने पर 24 लाख रुपये खर्च आता है और इस ट्रेन में अगर वेटिंग लिस्ट ऊपर जाएगी तो रेलवे इस पर विचार करेगी कि ट्रेन का परिचालन प्रतिदिन किया जाएगा या नहीं। जो भी फैसला होगा वह जल्द सामने आ जाएगा और इसको लेकर के हमारा खास वीडियो अपडेट जल्द भी आएगा। तो यह था आज का वीडियो। नए वीडियो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।